वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज मैं आपको अपना एड्रेस जो करोल बाग का है वो एड्रेस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एड्रेस तो मैं लिखता ही हूँ लेकिन मैं समझा रहा हूँ। करोल बाग मेट्रो के गेट नंबर 1 के सामने अपना ऑफिस है, वो मैंने पूरी वीडियो में दिखाया हूँ कैसे है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आगे फ्रंट मेन रोड पे पड़ता है, पूसा रोड बोलते हैं उसको, करोल बाग का पूसा रोड। उस रोड पे नहीं, उधर तो उतरना था आपको, उधर ही है, उसके बैक साइड में, मतलब उस बिल्डिंग की, मेट्रो के बिल्डिंग के पीछे जब आएंगे तो 1 नंबर गेट निकलेगा। मतलब 1 नंबर गेट से ऊपर से निकलते समय कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ जाने के लिए लिफ्ट है 1 नंबर गेट पे, इसलिए यूज होता है। लिफ्ट से आना जाना करते हैं तो 1 नंबर गेट से मिल जाता है, लेकिन अगर वैसे पैदल आते हैं तो लिफ्ट 1 नंबर नहीं आता है। तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से उतरेंगे आप और उसके पीछे जब आएंगे, ये 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर के पीछे, तो 2 नंबर के साथ साथ चलेंगे पीछे तो आपको 1 नंबर गेट पीछे बैक साइड में मिल जाएगा। उस बैक साइड के बाद थोड़ा सा दूरी है, मतलब कम से कम 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर पे तो दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बाद ही अपना जिसमें ऑफिस है सेकंड फ्लोर पे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने रात को 10 बजे भी आ गए और मुझे फोन करके आ रहे थे तो हम उसका व्यवस्था कराएंगे। ऐसा नहीं कि रात को 10 बजे आए तो मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं, हम सारा व्यवस्था कराएंगे, सब फोन पे हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। 1 नंबर गेट है, ये 1 नंबर गेट है ना, और ये इसका बैक साइड है, ये बैक साइड है, मेन रोड आगे है, मेट्रो आगे है, और ये मेट्रो का जो है ना 1 नंबर गेट ये है, छोटा सा जो दिख रहा है, इसके ढलान देखो, ये नीचे उतरता है यहाँ पे, ये ढलान के बाद ये पतली गली है, इधर ये जा रही रिक्शा जा रहा है, देखो पैंडल रिक्शा है ना, ये पतली गली है, और इसी के बगल में ये चौड़ी गली है, और ये जो टैटू लिखा हुआ है इसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। आगे मेरा बोर्ड लगा हुआ है जो आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये सफ़ेद रंग का है ना, तो वो है मेरा, और ये जो टीन का सीट दिख रहा है इसके बगल में ही है, मतलब टैटू वाली बिल्डिंग, राधे राधे लिखा हुआ है, मोबस्टर लिखा हुआ है, इसी बिल्डिंग में आगे मेरा वाइट रंग का बोर्ड लगा हुआ है जो यहाँ से कम दिख रहा है, वो मैं अभी दिखा दूँगा। मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बीच में देखो, ये इधर भी छोटी सी गली है लेकिन ये छोटी गली है, और ये चौक है, ये वाला जो मेट्रो, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, ये मेट्रो जो है इसके 1 नंबर गेट है, आगे इसका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तरफ ही उतरेंगे, लेकिन नीचे से उतर के आपको पैदल आना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए नीचे नीचे दीवार के साथ साथ आना पड़ेगा, और जैसे ही आएंगे 1 नंबर गेट के पास, यहाँ से नीचे इधर आएंगे, और उसके बाद ये पतली गली में नहीं जाना है, ये चौड़ी वाली गली में जाना है, ये रियल यहाँ हमेशा लगा रहता है, और ये चौड़ी गली में टैटू वाली बिल्डिंग में जाना है, ठीक है। और चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी ये रोड खाली है, हमेशा खाली नहीं होता, इतना भीड़ होता है आप चल नहीं पाएंगे, अभी सुबह सुबह या 8 बज रहा है अभी, इसलिए खाली है। और ये आपने देखे, ये 3 सीट है, और ये बैग ब्यूटिक का दुकान है इसी बिल्डिंग में, हमारा गेट वो देखे, मेरा बैनर भी दिख रहा है, ये है, ठीक है, और ये सीढ़ी है, इसी में जाना है, ये इसके अंदर ऊपर साइड में ये जाना है, स्टाइल ऑन लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाना है, और मेरा जो बैनर है मैं आपको दिखा दूँगा आगे से, ये देखिए मेरा बैनर लगा हुआ है ना, तो मेरा बैनर लगा हुआ है, और ये दूसरा बोर्ड भी है जो शाम को लाइट जलती है, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इस बिल्डिंग का मतलब लास्ट वाला है, ये बिल्डिंग का लास्ट में किनारे में लगा हुआ है, आपको अंदर आना है, इस तरफ से आना अंदर, यहाँ से ये जो कपड़े वाले इसके बगल से आप इधर जाएंगे, वेन हेव्स, रेमोंड और वीनस स्टेप, इधर नहीं जाना, यहाँ पे देखो हनुमान मंदिर जो है ना, ये
ये हनुमान मंदिर है जो दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो हनुमान मंदिर के सामने जो गली है, उस गली के कोने वाले जो मकान है, इसको छोड़कर इस वाले मकान में आना है। अब ये गलती लोग ये करते हैं, इस जीने में चले जाते हैं, ये जीने में नहीं जाना है, इसके बगल वाले जीने में जाना है। चलिए हम ऊपर चलते हैं। ये आंटी है कटिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ये सीढ़ी है जिससे जाएंगे आप। अभी सुबह सुबह अंधेरा लग रहा है, लाइट जल जाएगी जब थोड़ा अभी 10 बज जाएंगे तब। ये देखिए अपना ये लगा हुआ है, बस थोड़े दिन बाद भैया के सामने लगाएंगे, एक छोटा सा लगा देंगे ताकि यहाँ से आपको है ना, जैसे ये रहेगा, जैसे सीढ़ी से आप आएंगे इधर जाना है आपको, सामने वाला दिख रहा है, एक मिनट ठीक है, ये दिख रहा है, अभी खुल चुका है सुबह 8 बजे। ये सीढ़ी है, सेकेंड फ्लोर आया हमने, ठीक है, ये सीढ़ी है, और सीढ़ी के बाद ये टैटू वाला इधर है, टैटू वाला इधर है, हम इनके सामने, टैटू वाले के सामने हम हैं, ये मूवी स्टार वाले हैं, ये जो बॉयल वाले हैं, मैं आगे सीधा जैसे ही आएगा यहाँ बोर्ड देखिए, जैसे आप सीढ़ी से चढ़ेंगे ना सामने ये दिखेगा बोर्ड, ये छोटा सा मेरा दिख रहा है और बड़ा लगा देंगे बाद में। अभी आप यहाँ पे इसके सामने एक लॉक गेट है उसमें चलिए, चलिए मैं अंदर चलता हूँ। बैठी हुई है और ये अपना देखो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये ऑफिस है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं दिन भर। और ये जहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते हैं, अभी आया नहीं सब, अभी 8 बज रहा है, मैं जल्दी आ गई हूँ आज। ये मोबाइल का है, ये मोबाइल के लिए सब कुछ मैंने व्यस्त रखा है, लैपटॉप मोबाइल है ना, अभी लाइट नहीं जल रही यहाँ पे, और ये सारा कुछ है, एसी की भी की पीसी भी है, ये इधर कैमरा रखा हुआ, वेल्डिंग मशीन है जो लिथियम बैटरी असेंबल करने के लिए है ना, ये सब है। इधर हम बेसिक कराते हैं, ये मैग्नेट चार्जर है, इधर बेसिक कराते हैं सर, अभी आएंगे लड़के, अभी आएंगे, अभी कोई नहीं आया। तो आप आइए सीखने के लिए, और यहाँ पे जो एड्रेस दिया हूँ, ये एड्रेस है हमारा, ये कुछ तो सोचना समझना नहीं है आपको, मेट्रो से 2 नंबर गेट या 3 नंबर या 4 नंबर की तरफ निकलना है, क्योंकि ये हमारे तरफ पड़ता है, अगर आप उल्टे तरफ जाएंगे ना तो वो उधर दूसरा एरिया आ जाएगा, ये करोल बाग मार्केट की तरफ आपको आना है, ठीक है, करोल बाग मार्केट की तरफ। और जैसे नीचे तो आप जैसे नीचे उतरेंगे मेट्रो से, 1 नंबर गेट 2 नंबर गेट, 1 नंबर में तो आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरने के लिए ना सिस्टम ही नहीं है 1 नंबर से निकलने के लिए, आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से निकलना पड़ेगा। और उधर से निकलने के बाद दीवार के किनारे किनारे से आएंगे, जब बैक साइड के करब करीब पहुँच जाएंगे ना, वहाँ पर 1 नंबर गेट है, मतलब अंदर जाने के लिए 1 नंबर गेट यूज होता है, लेकिन बाहर आने के लिए 1 नंबर यूज नहीं होता है। हाँ, अगर लिफ्ट से आना चाहते हैं ऊपर से तो 1 नंबर गेट पे आ जाएंगे आप, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप 2 नंबर मान के रखिए कि मेन रोड पे 2 नंबर है, और 2 नंबर गेट से उतर के आपको थोड़ा सा किसी से पूछ लो, या फिर बैक साइड उसी जो मेट्रो का जो बिल्डिंग है उसके पीछे आ जाओ, तो वहाँ पे आपको 1 नंबर गेट मिल जाएगा। और 1 नंबर गेट के साथ में पतली गली थी जो मैंने दिखा दिया, चौड़ी वाली गली में बस 2 मकान छोड़ के अपना ऑफिस है, सेकंड फ्लोर। एड्रेस बोलेंगे 16A, क्या है मैडम, 16A/19 अपना एड्रेस है, वो आ सकते हैं है ना, 16A/19 अजमल का रोड करोल बाग सेकंड फ्लोर।